भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल चौहान ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 24 फरवरी को चंबी में होने वाला पन्ना प्रमुख सम्मेलन ऐतिहासिक होगा, जिसमें 40,000 कार्यकर्ता एक साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल चौहान ने कहा कि 24 फरवरी को चंबी में होने वाला पन्ना प्रमुख सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे, प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राष्ट्रीय संगठन मंत्री लाल सहित वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2 मार्च को युवा मोर्चा हर विधानसभा क्षेत्र में 1,000 बाइक्स में घूमेंगे और इस दौरान 100 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। विशाल चौहान ने बताया कि प्रदेश में पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं के सम्मेलन 6 से 25 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे, जिसे विजय लक्ष्य युवा महासम्मेलन का नाम दिया गया है। साथ ही इस मौके पर विशाल चौहान ने कहा कि वर्तमान सांसद शांता कुमार ईमानदार है और उनकी इच्छा है कि वो चुनाव लड़े। पत्रकारों के सवाल के जवाब में विशाल ने कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसकी जीत सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने खुद के चुनाव लड़ने पर कहा कि पार्टी हाईकमान मौका देगी तो वो तैयार है। साथ ही विशाल ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी सुझाव भेजे हैं और पार्टी द्वारा अपने स्तर पर भी सर्वे किया जा रहा है। पार्टी में टिकट की जो बात है, पार्टी हाईकमान इसका निर्णय लेती है। आने वाला समय लोकसभा के चुनाव है, मेरे पास दायित्व है, मैं युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। पार्टी ने मुझे दायित्व सौंपा है कि हिमाचल के युवाओं को पार्टी के साथ जोड़िए और मोदी जी को द्वारा से देश का प्रधानमंत्री बनाइए। मैं उस चीज़ के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। जो भी उम्मीदवार आएगा पार्टी का, उसके लिए हम दिन रात काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है हिमाचल से फिर से हम 4 की 4 सीटें जीतने वाले हैं, इतना मैं आपके बीच में कहता हूं। दूसरा, आपका जो प्रश्न है, राजनीति में हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है चुनाव लड़ने। वर्तमान समय में माननीय सांसद श्री शांता कुमार जी हमारे यहाँ से सांसद हैं और उन्होंने पार्टी के लिए, उस प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए बड़ी गर्व की बात होगी कि फिर से वो चुनाव लड़े और फिर से वो सांसद बने। लेकिन पार्टी जो भी निर्णय लेगी, जिसके लिए भी निर्णय लेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। कांगड़ा चंबा से पार्टी का उम्मीदवार फिर से जीतेगा और लोकसभा। आप कितने तैयार हैं? कहती है तो आप तैयार हैं? पार्टी अगर मुझे भी कहती है या किसी और भी कार्यकर्ता को कहती है, हम सब तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव नेता के नाम से नहीं लड़ा जाता, कार्यकर्ता के ऊपर लड़ा जाता है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निपजीत निप्पी की रिपोर्ट।